We are excited about our trip from St. Moritz to Zermatt by the Panoramic Glacier Express. ये Glacier Express St. Moritz से चलती है, Davos से भी चलती है. So there are multiple points where it starts from or it crosses, but it finally ends up at Zermatt, जहाँ पे की Matterhorn Mountains हैं. ये लगभग 291 किलोमीटर्स या 181 माइल्स की दूरी तय करती है करीब 8 घंटे के अंदर. इट इज़ अ वेरी वेरी सीनिक राउट दैट इट टेक्स. ट्रेन में रास्ते में आपको स्विस एल्प्स की खूबसूरत वैलीज एज वेल एज पीक्स दिखेंगे, स्नो कैप्ड माउंटेंस, पिक्चरस्क स्मॉल स्मॉल विलेजेस एज वेल एज सम फार्म एनिमल्स दिखेंगे आपको. स्विट्जरलैंड में एज फार एज द रेलवेज गो द एवरेज पैसेंजर हियर ट्रैवल्स मोर देन 2000 किलोमीटर्स अ ईयर. सो दिस इज द मोस्ट ट्रेन कंट्री इन द वर्ल्ड. अभी हाईएस्ट पॉइंट पे है करीब 2000 मीटर की हाइट में. आपको दिखेगा कि यहाँ पे वाटर के साथ साथ नीचे आइस भी और स्नो भी नीचे आ रही है मेल्ट होते हुए ऑन द माउंटेन्स. एंड over a distance of about a kilometer, the temperature dropped by about 6 degrees Celsius. इसमें तीन किस्म के क्लासेस हैं. आप कोच में देखेंगे तो इसमें एक फर्स्ट क्लास होता है, एक सेकंड क्लास होता है, एज वेल एज एक्सेलेंस क्लास मानते हैं. तो अगर आप फर्स्ट क्लास में ले रहे हैं तो आपका एक रो में सीट कॉन्फ़िगरेशन होगा 1 एंड देन 2. सो इन द सेकंड क्लास द सीट कॉन्फ़िगरेशन इज 2 एंड 2, बीच में आइल आती है. एक्सेलेंस क्लास इज द प्रीमियम एक्सपीरियंस जिसको कि 7 course या 9 course गुरमे मील्स चाहिए टुगेदर विद पर्सनल सर्विस. सो आप वो डाइनिंग कार में बैठते हैं एज वेल एज यू डू हैव योर ओन पर्सनल सीट दैट इज रिजर्व फॉर यू. And as far as the reservations go, reservations is a two-step process. एक होता है सीट का रिजर्वेशन और एक होता है ट्रेन का फेयर. तो ट्रेन के फेयर के लिए हम लोगों ने तो स्विस ट्रैवल पास ले रखा था, तो वी डिड नॉट हैव टू परचेज एनी एडिशनल टिकट्स फॉर द फेयर. बट द सीट रिजर्वेशन टिपिकली ओपन्स अप अबाउट 93 डेज प्रायर टू योर जर्नी. सो आपकी जर्नी की जो भी डेट है उसे 93 डेज के पहले ट्रेन के सीट का रिजर्वेशन खुल जाता है. जो पैनोरामिक ट्रेन है उसकी खिड़कियां खुलती नहीं है, खाली जगह से हम लोग एंटर हुए हैं. ये दोनों दबाइए, खुल करिए तो लॉक हो जाता है. इन दोनों को एक ही तरफ दबाइए, खुल करके नीचे स्लाइड कर दीजिए. ये इसलिए दिया गया है क्योंकि पैनोरामिक विंडोज जो है उसमें से रिफ्लेक्शन बहुत आता है. When you are taking pictures, so they have created this little window here that you can slide और सीधा बाहर का नजरिया देख सकते हैं, record कर सकते हैं without the reflection from the glass. हम अभी यहाँ जर्मैट पहुंचे हैं ग्लेशियर एक्सप्रेस से.